नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट्सएप के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में। अगर आपको ये सब जानना है यार तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो, क्योंकि आज जो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहद सीक्रेट सेटिंग है। अगर आपको जानना है यार तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखते रहो। देखो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं, आप लोग व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में जानते होंगे क्योंकि आप लोग ये व्हाट्सएप लवर है तो आपको इसके बारे में मालूम होगा, पता होगा। तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं तो देखने के बाद क्या होता है कि जो हमने किसी का, मान लो किसी का अपने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तो देखने के बाद जो किसी का मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा है उसका हिस्ट्री उस बंदे के पास पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे तो उसका हिस्ट्री उस बंदे के पास नहीं पता चलेगा, उसको नहीं पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस, नहीं उसका व्हाट्सएप स्टेटस आपने किसी भी तरह, चाहे वो फोटो हो, वीडियो हो, इमेज हो, कोई हो, आप उसका हिस्ट्री उस बंदे के पास नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरे प्यारो, सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लो। ओपन करने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा 3 डॉट, इस पर आप प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा सेटिंग का ऑप्शन, इसे आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको दिखाई दे रहा सबसे पहले नंबर पर अकाउंट का ऑप्शन, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है प्राइवेसी का ऑप्शन, इसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको इसे स्लाइड करके आप नीचे की तरफ चले आइए। नीचे का आप जैसे ही देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा रीड रिसिप्ट का ऑप्शन, इसे आप सिलेक्ट कर दीजिए। अब देखिए अब क्या हो गया आपका दोस्तों, कि अगर आप किसी का भी व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे तो उसका हिस्ट्री, यानी आप जो आप अपना किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखोगे तो वो हिस्ट्री उस बंदे के पास नहीं पता चल पाएगा, इसको नहीं पता चलेगा कि आपने उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखा है। तो दोस्तों दूसरी सेटिंग ये है कि हम लोग कई बार किसी से जब चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, तो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग किसी कहीं जब मोबाइल अपने स्मार्टफोन से जब मैसेज करते हैं तो करने पर क्या होता है कि हम लोग इसे कुछ भी टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा एक सेंड करने वाला आइकन, तो उससे समस्या हो जाती है यार यहाँ लिखो फिर वहाँ पर जाकर क्लिक करो कि अब मैसेज सेंड करो। लेकिन देखिए आप ये एक सेटिंग में आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को मैसेज भेज रहे हो तो यहीं से मैसेज भेजो और वहीं बगल में आपको एक छोटा सा आइकन मिल जाएगा सेंड करने वाला, वहाँ से उसको आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हो। तो चलिए उसको भी समझते हैं कि आपसे पहला अपना आप व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको चले जाना है दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा चैट्स का ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है इंटर इज सेंड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ये ऑलरेडी पहले से ही ऑफ रहता है, इसे आपको ऑन कर देना है। अब ऑन जैसे ही आप किसी को इसको कर देंगे तो आप चले जाइए बैक कर दीजिए। मान लीजिए आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करने पर आपको यहाँ पर देखिए कुछ भी आप चले कुछ टाइप करके लिखिए। चलिए मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, लिख देता हूँ आपको यहाँ पर गुड मॉर्निंग। लिखने के बाद देखिए अब यहाँ आपको नीचे की तरफ आपको देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है सेंड का ऑप्शन, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट ऐसे कुछ भी लिखिए। लिखने के बाद यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट सेंड कर दीजिए। पहले क्या होता था कि आप लिखते थे तो ये जो आपको आइकन दिखाई दे रहा सेंड का, यहाँ से आपको करना पड़ता था, लेकिन आप यहीं से कुछ भी लिखिए, लिखने के बाद यहीं से सेंड कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग ये है कि देखो कई बार क्या होता है कि हमारे स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टेक्ट सेव रहते हैं हमारे व्हाट्सएप स्टेटस की वीडियो को, इमेज को, वही उतने लोग देख पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप जिसको चाहेंगे वही आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएगा। तो दोस्तों कोई ना कितने मजे की बात। तो भाई सबसे पहले आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद इसे आप लेफ्ट साइड की ओर स्लाइड कर लीजिए। जैसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर की तरफ आपको 3 डॉट दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप चले जाइए स्टेटस प्राइवेसी पर। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है ओनली शेयर विद, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको जितने भी सारे कॉन्टेक्ट दिखाई दे रहे हैं उस पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो जितने पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ये हो जाएगा कि आपका जितना भी आप जो भी अपना व्हाट्सएप स्टेटस अपलोड करेंगे उतने ही बंदे आपका वो व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे।
तो उसके बाद आप यहाँ से जो भी मन का अपना कोई भी हो वहाँ से आप जितने लोगों को दिखाना चाहते हैं वहाँ से आप उसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद उसको यहाँ से ये गुड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग आपके व्हाट्सएप का? अगर आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा, आपको सबसे बढ़िया सेटिंग कौन सा लगा, आप मुझे नीचे जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यार अपने ये काले बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नए मेहमानों से विनम्र निवेदन है कि यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही।